सक्सेसफुली हम लोगों ने पूरा एक हफ्ता कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों को आज अपना वेट दिखाऊंगी। लंच में आज मैं बना रही हूँ सोया पराठा। Welcome back to my YouTube channel. Welcome to a brand new video. आज है day number 8 of me drawing Rujuta Divekar's diet plan. Successfully हम लोगों ने पूरा एक हफ्ता complete कर लिया है। हम लोग इकट्ठे चल रहे हैं, so हम लोग अच्छा कर रहे हैं and I'm proud of you जितने भी लोग मेरे साथ कर रहे हैं and अपनी health अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। I am so proud of you. So आज हमारा एक हफ्ता पूरा हुआ है and उसी खुशी में मैं आप लोगों को आज अपना weight दिखाऊंगी। क्योंकि मुझसे कल भी किसी के आए थे कमेंट एक दो दिन से आ रहे हैं कि वेट कब दिखाओगे वेट कब दिखाओगे। सो आज मैं वेट दिखाने वाली हूँ। सो पहले चलते हैं किचन में, एज यूजुअल अपना रूटीन फॉलो करते हैं। दो ग्लास गरम पानी पीऊंगी और उसके बाद मील नंबर 1 लूंगी। सो लेट्स गो इन द किचन। और बाय द वे अभी सुबह के 8 बजे हैं, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, 8 बज चुकी है और मैं उठी थी अभी 10-15 मिनट पहले, फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, वेट चेक कर लिया है और अब चलते हैं किचन में। और ज़ारा जी एज यूजुअल यहाँ पे सो रही हैं, मेरे बेड बहुत खलेरा मचा हुआ है, रुक जाओ मैं वैसे दिखाती हूँ क्लोजअप में। जाया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कितना छोड़ना है तुमको? हेलो, पूरी चद्दर उतार देता है ज़ारा, तू बेड से क्या फायदा फिर चद्दर लग बिछाने का, टीथ दिखाओ चलो गुड गर्ल। माई सैंडविच इज रेडी एंड मैंने 4 ब्रेड का बनाया है ये वाला, और पता नहीं बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल सा नहीं लग रहा है। जो मैंने नया टोस्टर है तो मैंने इसमें बनाया और ये बहुत अजीब सा बन गया सैंडविच के अंदर जाके। मेरा पहले वाला टोस्टर ही अच्छा था, इसमें तो पता नहीं वो टूट भी नहीं रहा है और खुल गया है, अलग सा ही हो गया, तो पता नहीं क्या ही शेप बनी है। बट इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं स्लाइस। गर्म है गर्म है गर्म है, नहीं हो रहा भैया इसमें, ये तो बहुत ही क्रिस्पी बना है वैसे। सो दिस इज हाउ माई सैंडविच इज लुकिंग। तो अंदर की फीलिंग कुछ ऐसी सी है, पनीर ही पनीर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। इसमें मैंने सबसे पहले बेस पे लगाया है हरी चटनी एंड देन उसके ऊपर मैंने डाला था प्याज और टमाटर। खीरा भी काटा था बट खीरा बहुत कड़वा है तो मैंने वो यूज़ नहीं किया, सो इसीलिए वो डाल के उसके ऊपर मैंने फिर जो मेरा थोड़ा पनीर मैंने वो सौते किया था ना देसी घी में वो डाल दिया। एंड या हेयर यू गो, बहुत क्रिस्पी सा है, टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। तो मुझे ये आइडिया ऐसे आया कि सब्वे वाले ना पनीर जो सब होता है, पनीर वाला सब होता है, उसको पनीर को ऐसे ही करके देते हैं, तो मेरे को लगा मैं सैंडविच भी ऐसे ट्राई करूंगी। ज़ारा सैंडविच मेकर का ये जो अंदर बॉक्स में से निकला है इसको ज़ारा कर रही है तड़ बतड़। सो अच्छा हाँ, मैं बोलना भूल गई, धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम्स क्यू करके खाएंगे दोस्तों। और मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करी है बट अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम आप लोग व्हाइट ब्रेड भी खा सकते हो, बस यही होता है कि क्वांटिटी ध्यान रख के खाओ, बहुत ज़्यादा मत खाओ और वंस इन अ व्हाइल खाओ। रोज रोज कुछ भी खाओगे तो वो हेल्दी चीज़ भी अनहेल्दी हो जाती है, सो इसीलिए अगर आप कुछ खा भी रहे हो लाइक फॉर एग्जांपल व्हाइट ब्रेड, तो आप वंस इन अ व्हाइल खाओगे और थोड़ी सी क्वांटिटी खाओगे तो कुछ भी इतना खराब नहीं करते आपकी बॉडी को। बट हाँ, मुझे मल्टीग्रेन पसंद है सैंडविचेस में, मतलब जो उसका फ्लेवर आता है मुझे वो अच्छा लगता है, सो इसीलिए मैंने ये ले ली थी। बहुत टेस्टी है, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, बहुत टेस्टी लग रहा है।
तो मैं अभी बैठ के कर रही थी मेरा रील्स का काम. सो मैंने एक रील बनाई है, इतनी क्यूट रील है ना, जो मेरा ये टैटू है इसके ऊपर रील बनाई है. एंड अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे, अगेन रिमाइंडर, मुझे जाकर फॉलो करो, बिकॉज वो रील मैं या तो आज शाम को या फिर कल डाल दूंगी. जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक वो रील डल चुकी होगी. सो भूलना मत वो रील चेकआउट करना, बिकॉज बहुत क्यूट और बहुत प्यारी सी बनी है. एंड अभी मैं ले रही हूँ मेरा मील नंबर 3, जो कि है कोकोनट वाटर. पूरा ग्लास भर के हम अपना कोकोनट वाटर एंजॉय करेंगे. मील नंबर 3 में आप लोग कोकोनट खा सकते हो, या कोकोनट वाटर ले सकते हो, या फिर कोई भी फ्रेश फ्रूट जो सीजनल फ्रूट है वो ले सकते हो. तो यार अब मैं चलती हूँ, कोकोनट वाटर तो हो गया, अभी ये पी के एंजॉय करके मैं एडिटिंग स्टार्ट करती हूँ. अभी तक मैंने अपना फाइल भी ट्रांसफर नहीं किया है. सो पहले फाइल ट्रांसफर करने रखती हूँ और थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ अपना, रेडी वगैरह हो जाती हूँ, फिर एडिटिंग करेंगे बैठकर. और मैंने एक और रील डाली इंस्टाग्राम पे, उसमें खाने पीने की है. सो जो मेरे पहले का ऐसा खाना पीना होता है, दिखाती हूँ एक मिनट. सो ये वाली रील डाली है, अगर अगेन नहीं फॉलो कर रहे तो फॉलो करो. और कई लोगों को लग रहा है कि ये मैं अभी खा रही हूँ, बट मेरी डाइट शुरू हो गई है. सो यस, ये मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रही हूँ. अभी तो मैं बस कोकोनट वाटर पी रही हूँ, कोई ऐसा शेक वेक या फिर कोई नूडल्स नहीं चल रहे दोस्तों, अभी कोकोनट वाटर चल रहा है. बारी हो गई है लंच की. लंच में आज मैं बना रही हूँ सोया पराठा, और साथ में जो घर पे सब्जी बनी है आलू गाजर मटर की, वही लेने वाली हूँ. तो चलते हैं किचन के अंदर और बनाते हैं हमारा सोयाबीन का पराठा. तो पराठे के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ना सोया जो चूरा होता है उसको बॉईल कर लिया है, और साथ में मैंने इसमें बारीक बारीक प्याज चॉप कर लिया है. अब मैं इसमें बेसिक वही नमक मिर्ची नमक और मिर्ची और थोड़ा सा आमचूर पाउडर को मिक्स कर लेंगे. तो लंच में आज हमारे पास है आलू गाजर मटर, साथ में सैलेड में बीट रूट, और ये है सोयाबीन का पराठा. इसके ऊपर मैंने देसी घी लगाया थोड़ा सा. अभी वैसे घर में साफ सफाई वगैरह चल रही है, लेकिन मैं बैठ गई हूँ डाइनिंग पे. अभी मम्मी आ जाएगी मुझे उठाने कि अपने कमरे में घुस जा. और जारा को मैंने रखा हुआ है बाहर बालकनी में, मतलब रखा क्या हुआ है, बाहर भेजा हुआ है, क्योंकि गोकुल जी को बहुत डर लगता है सारा से. तो अभी काम वगैरह हो जाए अंदर, फिर मैं सारा को ले आऊंगी. मेरा कमरा तो हो ही गया, वैसे चिल्ला चिल्ला के दुखी कर देती है ये भी. एडिटिंग हो गई है मेरी खत्म, मैंने अपलोड पे लगा दिया वीडियो, और अभी मैं खाने वाली हूँ मेरा मील नंबर 5. भूल जाती हूँ मैं कितना क्या मील चल रहा है मेरा. अच्छा, मील नंबर 5 में आई एम गोइंग टू हैव ग्रेप्स. कल मैंने मंगवाए ही थे, तो अब मैं इसको अच्छे से वॉश करती हूँ ग्रेप्स को, और थोड़े बहुत ग्रेप्स खाते हैं. ऑल्सो अभी ग्रेप्स खाने के बाद मैं जाने वाली हूँ बाहर मम्मी के साथ, मुझे कुछ काम है MG रोड के अराउंड. सो मैं अपना काम करूंगी, एंड उसके बाद हम शायद मामी से भी मिलेंगे, क्योंकि मामी भी बहुत टाइम से बोल रही है कि आ जाओ. एक्चुअली होता ये है, मैंने जूम हो रखा है कि हाँ. सो एक्चुअली होता क्या है ना, कि मामी के मॉल वहाँ पे कॉफी बहुत अच्छी मिलती है. हम तीनों मिल जाते हैं, मम्मी मैं और मामी, तो हम लोग कॉफी वगैरह पी लेते हैं इकट्ठे मिलके. सो हो सकता है आज अगर मामी फ्री हुई और अगर हमारे पास भी टाइम हुआ तो हम लोग भी चले जाएंगे थोड़ी देर मामी से मिलने, और थोड़ा बहुत मुझे सामान भी खरीदना है, मैं वो भी खरीद लूंगी और कॉफी वगैरह पी लेंगे. और मैंने थोड़े से ग्रेप्स लिए हैं, और अभी टाइम शायद 3 बजे हुए हैं, तो अगर अभी भी निकलते हैं तो मैं 5:30-6 बजे तक वापस आ जाऊंगी, ताकि मैं अपनी साइकिलिंग करने चली जाऊं. बाय द वे, मैं आपको अभी वेट अपडेट भी दे देती हूँ, बिकॉज आई नो आप लोग तब से सोचोगे कब देगी अपना वेट अपडेट. सो आज सुबह मेरा वेट आया है 87.6 kgs, एंड मेरा डे 1 पे वेट था 89.1 kgs. तो मतलब मैंने एक हफ्ते में 1.5 kilo के अराउंड लूज किया है, और बॉडी मेजरमेंट्स में लेना भूल गई. आई नो सॉरी, लेकिन मतलब ये हुआ कि मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी थी, उसके बाद मुझे याद आया शिट आज तो बॉडी मेजरमेंट लेनी थी. सो इसीलिए जब कुछ खाई चुकी थी तो मैंने सोचा अब कल खाली पेट सुबह उठते ही ले लूंगी. ये था मेरा वेट अपडेट इस हफ्ते का, मतलब वीक नंबर 1 का. एंड आपका कैसा रहा ये वीक मुझे बताना जरूर. मेरी मम्मी यहाँ खड़े होकर मुझे देखे जाए क्या हो गया, अब हमें निकलना है एक्चुअली. तो आप मुझे जरूर बताना आपका वीक 1 कैसा रहा, कैसी डाइट आपने चलाई, और ऑल्सो आपका वेट कितना कम हुआ कितना नहीं हुआ, फैट गया या नहीं गया, सब कुछ बता देना.
अपना अपडेट मुझे कमेंट करके। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना ग्रेप्स भी खत्म करती हूँ और उसके बाद बाहर निकलते हैं। ये देखिए ये लोग क्या खा रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए कॉफी लेने पीने और यहाँ पर मेरे घर वाले खा रहे हैं हॉट डॉग और पिज्जा, मैं नहीं खा रही हूँ, ये लोग मेरे सामने बैठ के खा रहे हैं और मुझे बोल भी रहे हैं कि बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। They are trying to tempt me, you know? बट हाँ, मैं गई थी पीनट्स वगैरह देखने बट मुझे कुछ मिला नहीं, समझ नहीं आया, पीनट्स कुछ थे नहीं इस सेक्शन में। तो अभी इतनी दूर जाने का मन नहीं है लेने का, तो अब मैं बस यहाँ पे कॉफी पीने वाली हूँ, आपके साथ शेयर कर दूंगी जैसी हमारी तीनों की कॉफी आएगी। तो वो ले लेना खाकरा, खाकरा कुकरा नहीं खाना मैंने, फैन होता है कॉफी पी लेंगे। व्यूअर्स को हॉट डॉग खिलाते हैं। हाँ व्यूअर्स, आप लोगों को हॉट डॉग खिलाते हैं। खुद तो टाइट कर रही है, उन्हें टाइट के लिए बोल रही है, हमें भी कह रही टाइट करो, खुद दिखाती है सब चीजें। ये लो दोस्तों, सिर्फ देखना है, खाना नहीं, ठीक है? जैसे कल भी है, पापा ने चिप्स खाए, मैंने तो चिप्स नहीं खाए। हाँ, इन्होंने चिप्स खाए थे, मैंने नहीं खाए थे। आप हमें खाते हुए देखो। हाँ, आप बस खाते हुए देखो इन्हें। ये यम दोस्तों, कॉफी फ्रैप पे मम्मी और मामी की, और ये पिज्जा तो खा, ठंडा सब माल अपना है, इसका कुछ नहीं है, पेट भी अपना ही है। और मैंने मंगाई है अमेरिकानो और थोड़ा सा मैंने वार्म दूध मंगवा लिया है, अगर ज्यादा वो लगेगा, स्ट्रॉन्ग लगेगी तो मैं थोड़ा सा दूध डाल लूंगी, पर पहले मामी ब्लैक कॉफी ट्राई करेगी। यस, लेट्स गो, डू इट। ओके, यस आई कैन डू इट। यस, बहुत गर्म है। अब इसके आगे तो क्या, ये क्या नाइस लगेगी आपको? कोल्ड कॉफी में आइसक्रीम भी डली है। निकल चुके हैं वापस घर की ओर और अभी इट इज करेंटली 6, आज थोड़ा लेट ही, पता नहीं बहुत जाम लगा पड़ा है, अभी भी रेड लाइट पे मुझे लगता नहीं एक बार में बारी आने वाली है, दूसरी तीसरी बारी में ही बारी आएगी, मतलब दूसरी बार में ही निकल पाएंगे इस बैच से। सो देखते हैं, मैंने घर वैसे फोन अपनी फ्रेंड को बोल दिया कि थोड़ी लेट ही चलेंगे। ओहो भैया, पता नहीं आज साइकिलिंग थोड़ी कम ही होगी बट करनी तो जरूरी है, बिकॉज वही वर्कआउट है जो मैं कर रही हूँ आजकल, सो आई कांट स्किप दैट। बट मैं एक बार घर पहुंचू, फिर जब मैं साइकिलिंग करने जाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। और बहुत ज्यादा पैपे हो रहा है, ये देखो इतनी दूर वहां है रेड लाइट और बहुत ज्यादा जाम लगा पड़ा है। डोंट नो व्हाट टू डू। साइकिलिंग करके एंड आज तो मम्मी ने मुझे सरप्राइज कर दिया, मम्मी ने बना रखी है मेरे लिए खिचड़ी। तो मैंने मम्मी को कहा था कि मैं आके ना खिचड़ी बना लूंगी सब्जियों वाली, मतलब जैसे थोड़ा मटर वगैरह डाल के, बट मम्मी ने मुझे सरप्राइज किया। मम्मी जैसे किचन में घुसी बनाने के लिए तो देखा कि कुकर तो रखा हुआ था, तो मम्मी ने ऑलरेडी खिचड़ी बना दी है। मम्मी आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आई लव यू। वैसे मैंने थैंक यू बोल दिया मम्मी को ऐसे इन पर्सन ही ऑब्वियसली। और जारा जी कुछ कह रही है, हाँ जी बोलो। टॉय ले आई है जारा जी अपना, पहले मैं खाना खा लूं? नहीं, पहले खाना। सो खिचड़ी तो बनी हुई है, वैसे मैं सोचा था मैं रेसिपी दिखा दूंगी आप लोगों को, मैंने पहले भी दिखाई है वैसे खिचड़ी की, बट मतलब आप लोगों के साथ बना लूंगी, लेकिन मम्मी ने बना रखा है तो मजे आ गए। ओहो जारा, तो मम्मी ने बनाई है जो ग्रीन मूंग दाल नहीं होती, वो स्प्लिट वाली, वो वाली उसकी खिचड़ी बनाई है, वो और चावल, इसमें वेजीज कुछ नहीं डाली है बट नॉर्मल है, मैं दिखा देती हूँ आपको एक सेकेंड। सो ये रहा मेरा आज का डिनर, मैंने दही भी ले लिया साथ में, और ये रही खिचड़ी।
बेसिक एकदम सिंपल जीरे या छौंक वाली खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है। एंड पता नहीं रात को दही लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट मैंने खिचड़ी के साथ थोड़ा सा ले लिया है। सो अगर नहीं लेना चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग लेते हो या नहीं लेते हो दही। बाकी मैंने अभी तो ले ही लिया खिचड़ी के साथ। सो मस्त गर्मा गर्म खिचड़ी खाएंगे। एक और बात कि अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम, आप लोगों को आपके खाने को ना ऐसा प्रोटीन कार्ब्स और ज़ारा ना, सो इन सब चीजों में डिवाइड नहीं करना चाहिए। पूरे खाने को एज अ होल देखना चाहिए कि उसमें क्या है। मतलब ये मत देखो कि अरे इसमें प्रोटीन ज्यादा है, अरे इसमें कार्ब ज्यादा है, क्योंकि खिचड़ी है तो उसमें जो छौंक लगता है, जो दाल और चावल होते हैं और साथ में दही अचार ये सब होता है, वो प्रॉपर एक मील बनाता है। सो मैंने जो मैम की बुक पढ़ी थी उसमें भी यही था, और मैंने इंटरव्यूज में भी सुना था मैम यही कहती है कि कभी भी खाने को डिवाइड मत करो पार्ट्स में। नाउ आई हैव लेस कार्ब्स या एक्स्ट्रा प्रोटीन या ऐसा कुछ या फैट्स। सो खाने को एज अ होल खाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आपको लगता है कि प्रोटीन ऐड करने का, आप करो। मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा प्रोटीन और ऐड करूँ, लाइक स्प्राउट्स खा लिए, दही खा लिया, बेसन खा लिया, पनीर, सोयाबीन ये सब ऐड करने की, दालें और जैसे छोले ये सब, राजमा वगैरह। आई एम सॉरी ज़ारा जी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हैं, इनको हट ही देंगे। तो मुझे यही बताना था कि क्योंकि मैं रोज़ ट्राई करती हूँ कि रुजुता मैम के जो भी टिप्स और मेरे बुक में पढ़ा है वो आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो यही मैंने पढ़ा था तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर कर देते हैं। बहुत टेस्टी बनी है। ओके जी, सो इट्स टाइम टू क्लोज दिस व्लॉग। बट व्लॉग खत्म करने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग। सो मुझे कई लोग बोल चुके हैं कि मुझे ग्रुप बना लेना चाहिए, लाइक कौन सी ऐप्स होती हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, मैं उसका नाम भूल गई यार आपका, एक मिनट रुको, टेलीग्राम। सो लाइक टेलीग्राम ऐप है या किसी भी ऐप पे अगर आपके पास कोई सजेशन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो कई लोग बोलते हैं कि आप टेलीग्राम पे या फिर वैसे ही कहीं पे एक वो बना लो, ग्रुप बना लो, ताकि हम लोग रोज पिक्चर्स शेयर कर पाए एंड यू नो फूड की, मतलब डाइट रिलेटेड एक ग्रुप बनाए जिसपे हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें। सो इफ यू गाइज वॉन्ट कि मैं ऐसा कुछ करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई ऐप पता है तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से टेलीग्राम आई थिंक सही रहेगी, बट अगर आपके पास कोई सजेशन है आप मेरे को बताओ। और अगर आप चाहते हो ये मैं करूं, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि एक ग्रुप बने और उसमें हम सारे ऐड हो जाएं एंड रोज का अपडेट देते रहे हम अपने खाने का लेकर और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे। सो इफ यू वांट आई कैन डू दैट। और अभी मैं व्लॉग को यही एंड करती हूँ, बिकॉज इसके बाद मैं सोने वाली हूँ एंड मैं थक भी गई हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले चैनल सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और शाउट आउट की बारी है, भूली नहीं हूं मैं। सो अभी बारी है शाउट आउट की, एंड शाउट आउट ऑफ द डे गोज टू, एक मिनट, मदीहा, अगर गलत बोल रही हूँ तो सॉरी, बट आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो 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 मच फॉर दिस ब्यूटिफुल कमेंट, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। आई एम सेंडिंग ढेर सारा प्यार एंड झपिया टू यू। एंड मैं टी बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है, मतलब मैंने पी ही नहीं है कभी चाय। मैंने मुश्किल से 2-3 बार ऐसे या तो कभी टेस्ट करने के लिए लाइक एक सिप पियो तो पी है, नहीं तो गुरु जी है जो छतरपुर में, वो उनके ना प्रसाद मिलता है चाय का, सो मैंने वो पिया है। बट मेरे को ऐसे कुछ पीने का इतना होता नहीं, तो मैंने कभी भी ऐसे प्रॉपर बैठ के चाय नहीं पी अपनी लाइफ में। मुझे कॉफी पसंद है, मैं डेफिनेटली कॉफी पीती हूँ, लेकिन चाय तो नहीं पीती हूँ। एंड आई होप कि आपका जो वेट लॉस जर्नी है, फैट लॉस जर्नी है, या हेल्दी जर्नी है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल, वो आप अच्छे से फॉलो करो एंड हम सारे ही अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। और अब ज़ारा जी कुछ बोल रही हैं, उनके साथ भी खेलना है थोड़ी देर। हाँ जी, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर कमेंट। एंड अगर आपको चाहिए शाउट आउट मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको जस्ट एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बस यही करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है ऑफकोर्स, बस ये 2-3 चीजें आपको करनी है, एंड देन यू विल गेट अ शाउट आउट इन माय नेक्स्ट वीडियो। और मैं आपसे मिलूंगी कल विद डे नंबर 9। सो बने रहिए दोस्तों, कल मिलेंगे शाम को 7 बजे, एंड जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय।